तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि देश के अंदर अभी क्या माहौल चल रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत ही फरमान को लेकर के माहौल गर्म चल रहा है। जो अभी कांवड़ यात्रा चलने वाली है सोमवार से, उसको लेकर के योगी सरकार और उनके प्रशासन के द्वारा जो फरमान जारी किया गया, लगभग जो हरिद्वार से लेकर के जो कांवड़ यात्रा चलेगी और उसके होते हुए जो मुजफ्फरनगर होते हुए, तो अभी फिलहाल जो है जो फरमान हुआ कि जितने भी होटल, ढाबे, ठेला, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट, सब पर मतलब प्रोपराइटर नेम जो है उनको मोटे मोटे अक्षर में लिखना होगा। मतलब हिंदू का ये शॉप है, ये रेस्टोरेंट हिंदू की है या मुसलमान की है, मतलब साफ साफ अक्षरों में पता चलनी चाहिए कि ये बांटने की जो साजिश है, मतलब सरकार के तरफ से। अगर हम बात करते हैं तो आज़ादी से लेकर आज तक कांवड़ यात्रा निकलती आ रही थी, पिछले कई सालों से कांवड़ यात्रा निकल रही है और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सरकार को पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलती रहती है, सरकार के दिमाग में और खास तौर से योगी आदित्यनाथ के दिमाग में क्या चलता रहता है कि कुछ ना कुछ ये उलट पुलट करने की कोशिश करते रहते हैं। और अक्सर वो मुसलमानों को लेकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की वो कोशिश करते रहते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, बहुत सारे जो अभी एनडीए की सरकार, जो अगर केंद्र में बात करते हैं तो उसमें जो गठबंधन में, जैसे कि बिहार से बात करते हैं तो जदयू नीतीश कुमार की पार्टी है, उत्तर प्रदेश से आरएलडी जो कि वहां से है, तो इन लोगों का जो है रिएक्शन सामने आ गया है। इन्होंने अपना सफाई देने का काम किया है कि ये जो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से कांवड़ यात्रा निकली जाएगी, निकलने की जो उनकी सुविधा बनाई गई, उनका रास्ता जो बनाया गया है, वहाँ वहाँ जितने भी शॉप है, खाने पीने की रेस्टोरेंट है, होटल है, छोटे या बड़े, या टी स्टॉल है या ठेले है, सब पर नेम प्लेट होना एकदम कंपलसरी है। ये राम की है, रहीम की है, अब्दुल्ला की है या शिवपाल की है, मतलब किसकी ये दुकान है, साफ साफ पता चलनी चाहिए। और बहुत से कांवड़िया ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हम अभी भी ये जो नेम प्लेट लगा हुआ है, फिर भी हम बहुत से ऐसे कांवड़िया है जो मुस्लिम के रेस्टोरेंट पे खाते हैं, मुस्लिम के ढाबे पे नाश्ता चाय पानी पीते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है और हमें वहाँ पर अच्छे से सेवा भी की जाती है। कुछ कांवड़िया का यह मानना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार की अपनी नीति है, वो अपना सरकार अपने तरफ से ये सब करने की कोशिश कर रही है, बट हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं, किसी के भी ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे हम खा सकते हैं, हम मुस्लिम के भी ढाबे पर खाते हैं, अभी भी खाते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये सरकार की क्या मंशा ये उनको ही पता होगा। कुछ कांवड़िया का ये भी कहना है और कुछ का यह भी कहना है कि सही हुआ, हमें पता चलेगा कि हमें किसके यहाँ खाना है, किसके यहाँ विश्राम करना है, मतलब कुछ का यह सही है, कुछ का यह गलत है। तो ये जो सरकार है, जो सरकार ने अपना फरमान जारी किया, इससे जो घटक दल है उनके केंद्र में, इधर से नीतीश कुमार की पार्टी ने, जो उनके प्रवक्ता ने कहा कि इसको वापस लेनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देगा और एक धर्म को दूसरे धर्म से अलग करने का एक तरीका। तो इसको जो फरमान जो जारी किया गया, इसको वापस लेनी चाहिए, ये सही नहीं है और इसके हम खिलाफ है। ये नीतीश कुमार जो जदयू है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कहा गया है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करते हैं, आरएलडी, उनके जयंत चौधरी जी के सर्वोसरा है, उनके पार्टी की तरफ से, उनके प्रवक्ता की तरफ से, उनके जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनके तरफ से कहा गया है कि ये जो फरमान है, ये जो आदेश है, एकदम सरासर गलत है, ये सही नहीं है, हमारी पार्टी जो है वो सब जाति धर्म के साथ है और सबको साथ लेकर चलने का काम करती है, और ये जो आदेश आया सरकार का, इसे वापस लेनी चाहिए।
तो कहीं ना कहीं ये फूट भी नजर आ रहा है जो एनडीए सरकार के अंदर है। मतलब ये सब जो घटक दल है जितने भी, वो सब इस बात से, इस आदेश से, इस फरमान से सहमत नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार के सहमत में, उनकी पार्टी सहमत नहीं है, एक तरफ जयंत चौधरी जो यूपी उत्तर प्रदेश के, वो सहमत नहीं है, और बिहार के जो रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, उनकी पार्टी है, वो भी सहमत नहीं है। एलजेपी, उन्होंने भी कहा कि ये जो फरमान है, ये जो आदेश है, ये सही नहीं है और इन्हें वापस लेनी चाहिए। ये जो बांटने की जो एक बोल सकते हैं कि प्रक्रिया चल रही, हिंदू को अलग करने का, मुस्लिम को अलग करने का, पहले जैसे चला आ रहा था उसी हिसाब से होनी चाहिए। जिसको जहां पर जाना है वहां पर खाए, और किसी को कोई दिक्कत इतने सालों से नहीं हो रही थी तो फिर इस बार क्यों हो रही है। और खुद योगी आदित्यनाथ 2017 से मुख्यमंत्री है, तो इतने सालों में इनको दिक्कत नहीं हुई, तो फिर आज इनको क्यों नजर आया कि हमारे कांवरियों को ये असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि ये राजनीतिक के तरफ ये जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस आदेश को लाया गया है। और इस आदेश के बाद बहुत ही चर्चा चल रहा है, हर जगह यही चर्चा चल रहा है, चाहे वो न्यूज चैनल पर हो या सोशल मीडिया पर हो, आप जहां पर देखते हैं इसी को लेकर डिबेट होता रहता है। बड़े बड़े पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए मुजफ्फरनगर और उसके जो रूट में है वहां पर वो पहुंच रहे हैं, वहां पर जाकर वो बातें कर रहे हैं, वहां के रेस्टोरेंट वाले से, ढाबे वाले से, वहां के ठेले वाले से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या फर्क पड़ा है ये नाम डालने से, क्या इफेक्ट हुआ है, या मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबसे वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू का जो प्रोप्राइटर है उनको कितना इफेक्ट पड़ा है, और जो मुस्लिम प्रोप्राइटर है उनको कितना इफेक्ट पड़ा है, ये नेम प्लेट बड़े बड़े वर्ड में लगाने के बाद। तो ये जो हमेशा उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, अभी कुछ दिनों की बात कहते हैं, एक तरफ बुलडोजर चला, अकबरनगर को पूरा बुलडोजर से गिरा दिया गया, पूरे घर को, मस्जिद को, मदरसा को तोड़ने का काम किया गया, और उसके बाद से कहा कि अगली बारी है पंत नगर की, उसके बाद से रहीम नगर की और खुर्रम नगर की, अबरार नगर की। लेकिन जब पंत नगर की बात आई उसके बाद से वहां पर लोगों ने विरोध किया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम आबादी कम है और हिंदू की आबादी ज्यादा है। उसके बाद से सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने नाइंसाफी करते हुए इसे वापस ले लिया, और जितने भी यहाँ पर निशान लगाया गया था उनके मकानों पर, बोला कि ये घर पंथनगर, अबरार नगर, खुर्रम नगर को नहीं तोड़ा जाएगा। और वही अगर तुम सही होते योगी आदित्यनाथ, तो अकबर नगर को जैसे तुमने बुलडोजर से बुलडोज किया, ये कह करके कि यहाँ पर हमारा एक सपना बनेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ का ड्रीम सिटी बनाएंगे, यहाँ पर टूरिस्ट के लिए एक हब बनाएंगे, और वहां पर जो नदी और नाला को लेकर अवैध अतिक्रमण बताया गया कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, उसी हिसाब से तोड़ने की बारी थी पंत नगर को भी, लेकिन उसे तोड़ा नहीं गया। क्यों? कि वहां पर हिंदू उनके वोटर है, और जब उनके तरफ से विरोध किया गया तो इन्होंने अपना आदेश को वापस ले लिया गया। लेकिन वही अकबर नगर जहां पर चिल्ला चिल्ला कर मुस्लिम समाज के लोग कह रहे थे कि हम 50 साल से 40 साल से यहां पर हम रह रहे हैं, लाइट बिल दे रहे, पानी का बिल दे रहे, सड़क बना हुआ है, हर चीज यहां पर है, मदरसे है, मस्जिद है, स्कूल है, हर चीज है, लेकिन वहां पर तो मुस्लिम थी, मुस्लिम आबादी थी, लेकिन वहां पर उनको दिखाई नहीं दिया, वहां पर सबको तोड़ दिया गया। लेकिन जब इनकी बारी आई पंथ नगर को तोड़ने की, और जब वहां पर हिंदू आबादी आई, तब इनको नजर में आया कि अगर हमारे लिए, अगर ये विरोध करने लगे तो हमारे लिए फिर 2027 में वोट की बात आ जाएगी और हमारे सरकार पे खतरा आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं जो डबल आंख जो इससे देखा जा रहा है, एक तरफ मुस्लिमों के घर को तोड़ा जा रहा, मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा, और दूसरी तरफ हिंदू के जब घर को तोड़ने की बारी आती है, उनके घरों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की बारी आती है, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता, उनको माफ कर दिया जाता। अगर तुम दोनों के घर पर बुलडोजर चलाते तब समझ में आता कि तुम इंसाफ कर रहे हो,
इनके साथ भी योगी आदित्यनाथ इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम और हिंदू को देखा जाता है कि हमारा वोट बैंक कौन है और हमारा वोट बैंक कौन नहीं है। तो ये जो खाई डालने का जो काम किया जा रहा है योगी सरकार के अंदर, खास तौर से भाजपा सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर, फिलहाल अब भी की अगर बात करते हैं तो ये जो नया जो मुद्दा उठा है, जो नेम को लेकर के, नेम प्लेट को लेकर के पूरे देश में यही माहौल है, हर जगह इसी की चर्चा है, और कुछ ना कुछ ये ऐसा कर जाते हैं जो बेसिक जो मुद्दा होता है वो उसको लोग भूल जाते हैं, और अनावश्यक जो चीजें है उस पर लोग लग जाते हैं, उस पर डिबेट करने लगते हैं, और उस पर पूरी मीडिया चैनल भी उसी पर डिबेट करने को तैयार रहती है। अब ये कब तक चलेगा आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो ये अपडेट जो आपको मैंने देने का कोशिश किया है, फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।